सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा को हुआ शक। कीर्ति और नक्श की शादी में होने वाली गड़बड़ी के पीछे है बाईसा का हाथ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हम देखेंगे बहुत बड़ा ट्विस्ट, कैसे बाईसा हर बार कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है लेकिन नायरा हमेशा उस प्लान को फेल कर देती है। आगे भी बाईसा ने कीर्ति की शुद्धिकरण की पूजा रखी है, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। इतना ही नहीं, वो सुहासिनी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है कि वो भी इस पूजा के बारे में किसी को कुछ न बताए। जहाँ बाईसा सुहासिनी को इस पूजा के अरेंज करने के लिए कहती है, वहीं कार्तिक और नायरा फिर से कीर्ति को इस पूजा से बचा लेते हैं। नायरा सब पर गुस्सा होती है लेकिन बाईसा नायरा को प्रूव करती है कि सुहासिनी ने उन्हें इस पूजा के बारे में किसी को इन्फॉर्म न करने को कहा था, जबकि वो तो खुद नायरा को इस पूजा के बारे में बताने वाली थी। क्या नायरा को बाईसा के कीर्ति और नक्श की शादी के पीछे के मंसूबे के बारे में पता चलेगा? क्या नायरा ये जान पाएगी कि बाईसा सिंघानिया फैमिली से बदला लेने के लिए आई है? वेल, सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा को हुआ शक। कीर्ति और नक्श की शादी में होने वाली गड़बड़ी के पीछे है बाईसा का हाथ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हम देखेंगे बहुत बड़ा ट्विस्ट, कैसे बाईसा हर बार कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है लेकिन नायरा हमेशा उस प्लान को फेल कर देती है। आगे भी बाईसा ने कीर्ति की शुद्धिकरण की पूजा रखी है, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। इतना ही नहीं, वो सुहासिनी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है कि वो भी इस पूजा के बारे में किसी को कुछ न बताए। जहाँ बाईसा सुहासिनी को इस पूजा के अरेंज करने के लिए कहती है, वहीं कार्तिक और नायरा फिर से कीर्ति को इस पूजा से बचा लेते हैं। नायरा सब पर गुस्सा होती है लेकिन बाईसा नायरा को प्रूव करती है कि सुहासिनी ने उन्हें इस पूजा के बारे में किसी को इन्फॉर्म न करने को कहा था, जबकि वो तो खुद नायरा को इस पूजा के बारे में बताने वाली थी। क्या नायरा को बाईसा के कीर्ति और नक्श की शादी के पीछे के मंसूबे के बारे में पता चलेगा? क्या नायरा ये जान पाएगी कि बाईसा सिंघानिया फैमिली से बदला लेने के लिए आई है? वेल, सारी अपडेट्स जानने के लिए